हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक फैंसी बैग लेके आए हैं जिसके लिए मुझे पीस चाहिए 12x10। हाइट में ये 10 रहेगा और विड्थ में 12 है। इसके दो पीस चाहिए। ये मैंने क्विल्ट कर लिया है। इसके बेस के लिए मुझे 10x3.5। बेल्ट मुझे चाहिए, ये जितना मेरे पास पीस अवेलेबल था उतने का लिया है मैंने। ये मेरा 21 है। आपको अगर इसे लंबा चाहिए तो आप लंबा ले लीजिएगा। एक बेल्ट मैंने बना दिया है, दूसरा बेल्ट मुझे ये बनाना है। ये देखिए, ये कपड़ा बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। ये देखिए, एक ब्लाउज पीस था, बहुत ही ट्रांसपेरेंट। ये पूरा पीस मैंने ऐसे ही तैयार किया है। ये वेलवेट का पीस मैंने इसके ऊपर रख दिया है और इसके अंदर मैं ये बेल्ट रखूंगी और इसके बाद ऐसे रख के और इसको डबल फोल्ड करके ऐसे इसको दोनों तरफ से स्टिच करूंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अंदर का फेल्ट का कलर मुझे दिखाई भी नहीं देगा और ये थोड़ा ब्राइट हो जाएगा कलर। पूरा मैंने पीस ऐसे ही तैयार किया है। सबसे पहले ये पतला वाला पीस है, उसके बाद वेलवेट का टुकड़ा है, उसके बाद स्पंज है, उसके बाद लाइनिंग दिया हुआ है। सबसे पहले विंडो पॉकेट बनाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नॉर्मली जिप का प्लेसमेंट जो होता है 1.5 या 2 इंच पर मैं प्लेस करती हूँ। इसका मैंने 2.5 इंच पर प्लेस करके इसको बनाया है, क्योंकि इसमें बेल्ट मेरा बॉडी के ऊपर आने वाला है, ना कि ऊपर जिपर पैनल के उधर नहीं आएगा, बैक के ऊपर इधर मैं अटैच करूंगी। इसे जिप लगाया मैंने, क्लोज नहीं किया। क्लोज करने के लिए इतना ही 10x12x10 का पीस चाहिए मुझे। ये ऐसे रख के इसको पूरी तरह चारों ओर स्टिच करूंगी, इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी और इसको चारों ओर स्टिच करके एक्स्ट्रा जो है कट कर दूंगी। तो ये पूरा मुझे पॉकेट मिल जाएगा, वॉल टू वॉल पॉकेट मुझे मिल जाएगा। इनर पॉकेट के लिए मैंने लाइनिंग का पीस लिया है। विड्थ में ये 8.5 इंच है। जैसे कि हमारा बेस 10 इंच का है, उस हिसाब से मैंने ये 8.5 लिया है और लंबाई में ये 12 इंच का दिया है। इसमें हम लोग जिप लगा देंगे। ये सेम जिप लगाने का तरीका मैंने अपने मल्टी सेक्शन पाउच में दिखाया है आपको, मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ। जिप जो है ये करेक्ट साइड होगा तो ये करेक्ट साइड इसके नीचे जाएगा और इसके ऊपर हम लोग स्टिच करके इसको ओपन करके डाप सिलाई लगा देंगे। इसको ऐसे रख के ये स्टिच जो है ऐसे रख देंगे और इसके ऊपर स्टिच करेंगे और ये खोल के इसको डाप सिलाई कर देंगे। ये हमारा हो गया है। अभी हम इसे साइड स्टिच करके इसको सील कर देंगे। हमने ये पूरा कर लिया है। अभी हम इसे बेस में, ये बेस का जो पीस है यहाँ पे हम लोग इसको इसको अटैच कर देंगे। इसे ये सेंटर का जो लाइनिंग है इसी के ऊपर मैंने क्विल्टिंग करते हुए ही इसको डिवीजन करते वक्त ये सेंटर लाइन किया था, तो उसी के ऊपर ये रख के दोनों साइड में सेम स्पेस छोड़ के मैं इसको स्टिच कर दूंगी। ऐसे करने से हमारा पार्टीशन हो जाएगा, बैक का भी दो अलग अलग सेक्शन जैसे हो जाएगा। अभी हम इसे साइड पैनल लगाएंगे। साइड पैनल के लिए मैंने ये देखिए 5x10 का पीस लिया है ऐसे और अंदर
ये वेलवेट का 5x5 का पीस लिया है ताकि ये ट्रांसपेरेंट लगे नहीं मुझे ऐसे, तो ऐसे रख के इसको स्टिच करना है। लेकिन मुझे ये कवर सिलाई करनी है, इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये दोनों साथ में रखूँगी। मुझे तो ये उल्टा और सीधा सेम है, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप दोनों साइड अलग अलग है तो ये करेक्ट साइड अंदर की ओर रख के इसको फोल्ड कीजिएगा, और इसे एक साइड में, किसी एक साइड में ऐसे रख के इसको हम स्टिच करेंगे ऐसे। ऊपर की ओर स्टिच करने के बाद हम लोग साइड में भी इसे स्टिच करेंगे, और यहाँ पर इतना पीस मैं छोड़ दूंगी स्टिच करने के लिए, यहाँ पे कोई स्टिच नहीं दूंगी, यहाँ स्टिच कर दी जाऊंगी, और यहाँ पर भी ये एल शेप में इतना स्टिच करूंगी, और इतना पीस मैं खुला छोड़ दूंगी ताकि मैं ये पलट पाऊँ। ये पीस तैयार हो गया। ऐसे ही मुझे और एक पीस भी तैयार करना है, क्योंकि ये साइड पीस है तो दोनों साइड में हमें चाहिए। इसके लिए ये सेम स्टाइल में इसे भी मैं तैयार करूंगी, उसके बाद में हम लोग एग्जैक्ट है देख के उसके बाद में ही पलटेंगे। मेरे दोनों पीस तैयार हो गए हैं, अभी हम लोग पलटेंगे इसको। जस्ट ये कॉर्नर जो है जस्ट हम लोग ट्रिम कर देंगे चारों ओर से। पलटते वक्त हमें ध्यान देना है कि ये जो ट्रांसपेरेंट शीट है वो इस तरफ आनी है, तो एक ही पीस हम लोग टर्न करेंगे, दोनों पीस नहीं टर्न करेंगे, सिर्फ एक ही पीस हम इसको टर्न करेंगे ताकि वेलवेट का पीस बीच में रह जाए। हमारे तैयार हो गया। अब ये नीचे का जो पोर्शन खुला हुआ है वो हम लोग अंदर की ओर रख के इसको स्टिच कर देंगे, और चारों ओर से इसको स्टिच करेंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। हमारे ये दो पीस तैयार हो गए। अभी हम जो पॉकेट बनाए हैं, ये वाला जो पॉकेट है इसे हम इसे इस तरह फोल्ड करेंगे, जो हमने जोड़ा हुआ पीस है वो नीचे की ओर रखेंगे, क्योंकि ये जॉइंट जो है मैं नीचे की ओर रख दूंगी, और इसे ऐसे फोल्ड करके इसको एग्जैक्टली यहाँ पे हम लोग स्टिच करेंगे, यहाँ तक स्टिच करेंगे। देखिए ये दोनों तरफ से हमारा ये लग गया है। बेल्ट हम लगाएंगे इसका सेंटर मार्क करके, 2 इंच इस तरफ, 2 इंच इस तरफ, लेकिन मार्किंग हम लोग 2 इंच नीचे करेंगे। और इसमें हम लोग सेंटर मार्क करके, देखिए यहाँ मार्क किया हुआ है मैंने, यहाँ से 2 इंच इस तरफ और 2 इंच, ये दोनों बेल्ट मैच कर लेंगे एग्जैक्ट है। तो उसके बाद ऐसे रख के 2 इंच पर रख के इसे उल्टा रख देंगे ऐसे, ये साइड करेक्ट साइड होगा। तो ये इस तरह रख के जहाँ पे मार्किंग किया है वहीं पर मैं इसको इस तरफ ऐसे में पेन से मार्क कर रही हूँ, इसके ऊपर यहाँ स्टिच करूँगी, और उसके बाद ऐसे रख के इसको हम लोग ऊपर से और एक स्टिच कर देंगे। दूसरा साइड भी ऐसे ही ट्विस्ट किए बगैर यहाँ पे रख के ऐसे स्टिच कर दूँगी, उसके बाद मैं ये पलट के यहाँ पे ऐसे ही मजबूती से जैसे यहाँ लगाया वैसे ही यहाँ पे, देखिए ट्विस्ट नहीं हुआ है, वो ध्यान रखना है हमको। इस पीस में भी ऐसे ही हम लोग हैंडल लगा लेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि हमारा बॉर्डर नीचे की तरफ आ रहा है तो ऊपर की ओर 2 इंच पे मार्क करना है, ऊपर से 2 इंच नीचे, सेंटर से 2 इंच दोनों तरफ, यानी कि बीच का गैप जो है 4 इंच का रहेगा। बेल्ट लगाने के बाद हमारा बेस लगाएंगे हम लोग, इसका सेंटर मार्क करेंगे, इसका भी सेंटर मार्क करेंगे, और इसको ऐसे पिनअप करेंगे सेंटर से सेंटर लगा के। स्टिच करते जाएंगे, इसका भी डबल स्टिचिंग करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ पे एंड में हम लोग थोड़ा सा 1/2 इंच का छोड़ देंगे ताकि हमें यहाँ पे टर्निंग में दिक्कत ना हो,
दूसरा साइड अटैच करने से पहले हम इसको शेप देंगे, हमारा शेप देना बाकी रह गया बैक का। आप इसी शेप में भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे इसको थोड़ा सा शेप देना है, यहाँ से 3 इंच और नीचे की ओर 4 इंच, और इसे ऐसे आर्क देते हुए यहाँ पे जोड़ दूंगी, यहाँ पे कट करेंगे। हमारा शेप हो गया, अभी सेम शेप हम लोग इस पीस में भी देंगे, ऐसे रखेंगे और यहाँ ऐसे रख के इसको भी हम लोग इसका शेप में कट कर लेंगे। दोनों तरफ का शेप होने के बाद हम इसका बेस लगा देंगे। हमारा बेस हो गया है, अभी हमें जिप लगाना है, मेन जिप अभी हम लोग यहाँ से देके यहाँ तक पूरा एंड तक हम लोग सिंगल जिप लगाने वाले हैं। ये करेक्ट साइड है, इसको हम लोग इस तरह रखेंगे। जिप हमारे लग गया है, अभी हम इसको दाब सिलाई करेंगे। दाब सिलाई हम लोग ऐसे रख के इस तरह रख के इसको दाब सिलाई पूरा कर लेंगे, और उसके बाद इसको हम लोग खोल देंगे जिप को, ताकि लगाने में हमको दिक्कत नहीं हो। इस तरह से यहाँ से इसे भी हम लोग ऐसे अटैच करते ही जाएंगे। पूरी हमारी जाप सिलाई हो गई है, अभी हम रनर इंसर्ट करेंगे, और रनर हम ये बड़ा जिप है इसके लिए हम 2 रनर इंसर्ट करेंगे, दोनों तरफ से एक एक इंसर्ट करेंगे। हमेशा की तरह एक बार हम इसको पूरा साइड से निकाल देंगे और अभी फिर से इंसर्ट करेंगे। अभी हम बैक पलट देंगे ताकि हमारा बॉटम और साइड हम लोग अटैच कर सके। इसको इस तरह पकड़ के हम लोग इसको स्टिच कर देंगे। बाकी साइड हमने कोई पाइपिंग नहीं किया है, लेकिन ये जिप का साइड है, इसके लिए हम यहाँ पे जरूर पाइपिंग लगाएंगे। इसे भी अटैच कर रहे हैं। हमारा बेस भी लग गया है, अभी हमें ये जो पीस हमने अटैच किया था, अभी हमें इसे दोनों तरफ लगाना है। तो ये नीचे से 1 इंच हमने ऊपर रखा था, तो यहाँ से भी बेस से भी मैं 1 इंच इसे ऊपर रखूंगी और ऐसे लगाते जाऊंगी। यहाँ पे जो स्टिचिंग लाइन है उसी के ऊपर मैं इसे अटैच करती जाऊंगी, ऐसे नीचे से 1 इंच ऊपर। बस हमें ऐसे देखना है, ये खोलने के बाद ये एग्जैक्ट ये ऐसे खड़ा होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस पे, ऐसे हम देख के इसे लगा देंगे। और ऐसे ही ये हम इस तरफ और ये उठा के इस तरफ भी ऐसे ही लगा देंगे उतना ही डिस्टेंस पे। हमारा देखिए साइड का क्लीन फिनिशिंग हो गया हमारा, ये देखिए अभी हमारा ये पॉकेट भी हो गया। अभी ये हमारे नीचे अटैच होने की वजह से ये देखिए इस तरफ की चीजें यहाँ पर नहीं आएंगी, तो ये 2 सेपरेट हमारे सेक्शंस हो गए और ये मेन हमारा क्लोजर है। आप ऐसे ये पार्टी के लिए भी कैरी करके लेके जा सकते हैं, या कहीं बाहर घूमते वक्त भी आप लेके जा सकते हैं। और ये देखिए पॉकेट हमारा काफी बड़ा है, वॉल टू वॉल है, और अंदर का भी हमने काफी बड़ा लिया है, 6 इंच का वाइड पॉकेट है इसके लिए, ये काफी बड़ा है। और इसको अच्छा खासा 3.5 इंच का हमने बेस भी दिया है। ये वीडियो कैसे लगा मुझे जरूर बताइएगा, अच्छा लगे
तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।